प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो? बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित विषय रहेगा बच्चों, और अध्याय इसमें 5 है। अध्याय का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। तो इसमें हम वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्गमूल निकालना सीखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, 5.1 एक्सरसाइज कर लेते हैं हम पहले शुरू। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्नावली 5.1 है। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, यानी अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करें। वर्ग करना क्या होता है? जब हम संख्याओं को दो बार गुणा करते हैं, जैसे आपके पास है वैसे लिख रहा हूं मैं भी 5 का वर्ग। तो अगर 5 का वर्ग करें तो आपके पास क्या आएगा? 5 को 5 से गुणा करें तो 25 आ जाएगा। 5 गुना 5 25, ठीक है। ऐसे किसी का भी वर्ग करते हैं तो हम उस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 गुना 8 8 64, ठीक है। तो ये होता है वर्ग। तो अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपके पास फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट ही पार्ट है 81 का अगर हम वर्ग करें, क्या करें? वर्ग। तो इसका मतलब है हमने इकाई का अंक देखना है केवल। ये जो इकाई का अंक 1 है ना, तो हमने ये देखना भी 1 का वर्ग क्या होता है। तो इसका मतलब है 1 का वर्ग और 1, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों? इकाई का अंक क्या होगा इसमें? इकाई का अंक 1 आ गया इसमें, क्योंकि हम जो इकाई का अंक देखे ना ये वर्ग में, वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, यानी वर्गों के इकाई के अंक निकालने हैं। तो हम यहां लिखेंगे, ये लिख लो चाहे वर्ग के इकाई का अंक, ठीक है। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा इसमें। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आप करोगे 272, 272 का वर्ग का मतलब है जो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका वर्ग करेंगे केवल। बस 2 का वर्ग होता है बच्चों 4, 2 दुनी 4, तो इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों? 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में है 799, तो 799 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसके इकाई का अंक जो है 9, तो 9 का वर्ग कर लेते हैं हम। 9 का वर्ग कितना आएगा? 81। तो इसमें इकाई का अंक इसमें 4 आया, जैसे इसमें 1 आ जाएगा इकाई का अंक। वर्ग के इकाई का अंक जो होगा 1 होगा, क्योंकि 81 है, 81 में 1 है। फिर उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है ऐसे ही 3853, तो इसका वर्ग करना है बच्चों। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो उसमें वर्ग के इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इसमें जो इकाई का अंक 3 है ना, तो उसका वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग है 9, तो इकाई का अंक भी 9 ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपके पास पांचवा पार्ट है, इसमें क्या आएगा? 12 3 4, यानी 1234 का वर्ग अगर हम करें तो इसमें जो वर्ग में इकाई का अंक आएगा वो 4 का वर्ग आएगा, और 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, और 16 में इकाई का अंक 6 है बच्चों, तो इसमें 6 आएगा, ठीक है। तो आपके 5 पार्ट हैं, इनके तो इकाई का अंक हमने निकाल लिया। ऐसे ही आप बाकी करेंगे, हम करते हैं जैसे अगला 6ठा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे?
2, 6, 3, 8, 7। तो इसका जब हम वर्ग करते हैं तो ये 7 का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग देखना है हमने, तो 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। वर्ग में वर्ग का इकाई, ठीक है, वर्ग का इकाई अंक तो 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सातवां पार्ट है, तो सातवें पार्ट में क्या करना है आपने, ये आ जाएगा आपके पास 5, 2, 6, 9, 8। तो इसका वर्ग देखते हैं और उसका इकाई का अंक आएगा बच्चों 8 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 × 8 = 64। तो इसमें इकाई का अंक 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आठवां पार्ट है आपके पास, तो आठवें पार्ट में भी ऐसे ही करना है अपने 9, 9, 8, 8, 0। तो जब इसका वर्ग करते हैं हम तो ये 0 का वर्ग होगा, तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो इकाई का अंक भी 0 ही आएगा इसमें, ठीक है। फिर आपके पास 9th प्रश्न है इसका पार्ट 1, 2, 7, 9, 6। इसका स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 6 का वर्ग कर देंगे तो वो 36 आता है, 6 × 6 = 36। तो इकाई का अंक इसमें 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम अगला लास्ट कर देते हैं इसका पार्ट, 10th पार्ट है, तो इसमें आएगा 5, 5, 5, 5 और 5, ठीक है। इसका वर्ग जो होगा, तो इसमें इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग कर लेते हैं, तो 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों, और 25 के इकाई का अंक 5 होता है। तो ये सभी आपके आंसर आ गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखो क्या है इसमें, ये कहता है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी हमने इनको देख के बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसका कारण बताना है हमने क्यों नहीं है ये। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, इसका उत्तर है आपके पास, हमने इनके इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है बच्चों, इकाई का अंक देखना है सभी संख्याओं में। तो जब भी हम किसी का वर्ग करते हैं, जैसे 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, तो अगर हम उनका वर्ग करें, जैसे आपके पास 1 का वर्ग जो होता है बच्चों 1 ही होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49, 8 का वर्ग है 64, ठीक है, और 9 का वर्ग 81 है बच्चों, और 10 का वर्ग 100 होता है, यानी 0 हो सकती है इसमें। क्या होती है 10 के वर्ग में, क्या आएगी, यहां लिख देता हूं, जैसे 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब देखिए जिन संख्याओं में इकाई का अंक, ध्यान से देखें, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 या 2, 0, ठीक है, इस तरह से होंगी, तो वो संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। तो अब देखिए इसमें इकाई का अंक फर्स्ट पार्ट है, ये 10, 57 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। क्या इनमें से इकाई का अंक किसी का 7 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
क्योंकि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है इसका? 7 है। क्योंकि जिसमें इकाई का अंक 7 होता है ना बच्चों, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरा पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में आप लिखोगे 2, 3, 4, 5, 3, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो क्या इनमें इकाई का अंक किसी में 3 है? नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे ही लिख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक कितना है बच्चों? 3 है। ठीक है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इकाई का अंक इसमें 3 है, और 3 जिसके इकाई का अंक होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 7, 9, 2, 8। अब जिसमें इकाई का अंक 8 होता है, क्या इनमें इकाई का अंक 8 है किसी में? नहीं है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक 8 है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट है आपका 2, 2, फिर है 2, 2 और 2, 2, फिर इनमें इकाई का अंक 2 है, तो देखिए इनमें इकाई का अंक किसी का 2 है पूर्ण वर्ग में? नहीं है। तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है बच्चों? 2 है। तो जिसमें इकाई का अंक 2 होता है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ऐसे ही आपके पास पांचवा है, अब इसमें क्या है, 6, 4, 1, 2, 3। अब जिस संख्या में 0 हो और 0 में अगर 2, 4, 6 इस तरह होंगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन जिसमें 3 0 हो, 5 हो, 7 हो या 1 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती। तो इसमें कितनी 0 है? 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें क्योंकि इसमें क्या आएगा बच्चों? तो इसमें अंत में 3 0 आ रही है, 1, 2, 3, क्योंकि इसमें अंत में 3 0 है, इसलिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर आपके पास अगला पार्ट है, इसमें भी 8, 9, 7, 2, 2, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना है बच्चों? 2 है, तो इसलिए यह नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों? 2 है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही आपके पास अगला है 7वां पार्ट और 8वां पार्ट, तो इनमें भी देखिए 8वें में क्या है, 3 0 है, 2, 2, 2, 0, 0, 0, तो आपने इसमें भी ऐसे लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अंत में 3 बार 0 है। ठीक है, इसमें अंत में कितनी बार 0 है? 3 बार। अगर 4 बार होगी, 2 बार या 4 बार या 6 बार होगी संख्या के अंत में 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। फिर है जैसे 50, 50, 50, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 1 ही 0 है, इसमें
अंत में एक बार जीरो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों, ठीक है, कर लें से। आ गया बच्चों प्रश्न तीन। प्रश्न तीन में देखिए क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी अगर हम इन संख्याओं का वर्ग निकालें तो कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम संख्या आएगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका, जैसे तो इसमें है 431। अगर हम इसका वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब इसको अगर दो बार गुणा करते हैं, 431 को 431 से गुणा करें, तो अब इतना तो समय होता नहीं कि हम इनको पूरा गुणा करके देखें। तो इसका जब हम वर्ग निकालें, वर्ग का मतलब है कि हमने इसके इकाई का अंक देखना है, बस इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो इकाई के अंक का मतलब एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। तो जिस संख्या में इकाई का अंक एक होता है तो वो विषम संख्या होती है। तो हम लिखेंगे, अतः इसका वर्ग, अतः छोटी ई पड़ेगी इसमें, इस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। क्या है बच्चों? विषम संख्या, ठीक है। फिर ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये आपके पास है जैसे 2826, इसका वर्ग करें तो इसमें इकाई का अंक है 6, 6 का वर्ग करें तो वो आता है 36, 6 गुना 6 36 आता है। 6 का वर्ग का मतलब 6 गुना 6 36, तो इसमें इकाई का अंक 6 है, तो ये क्या है? सम संख्या है। अतः इस संख्या का वर्ग सम संख्या आएगी बच्चों, ये सम संख्या है। फिर आपका थर्ड पार्ट है 7779 का स्क्वायर, तो ये होता है 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81, तो ये 81 आएगा। 81 में इकाई का अंक क्या है? 81 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो ये इसका वर्ग भी पूरे का विषम संख्या ही होगी। तो हम लिखेंगे, आता है इस संख्या का वर्ग विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है 828004, इसका वर्ग का मतलब है हमने इकाई का अंक लास्ट जो 4 है जो, इसका वर्ग करके देखना है। तो 4 का वर्ग कितना आया? 16, 4 गुना 4 16, 4 चौके 16, तो इसमें 16 कैसी संख्या है? सम। तो हम लिखेंगे, आता है इस संख्या का वर्ग लिखेंगे सम संख्या है, सम संख्या है, इस संख्या का वर्ग सम संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें यही बताना था कि इन संख्याओं का अगर हम वर्ग निकालें तो सम संख्या आएगी या विषम। तो उसके लिए हमें इकाई के अंक का वर्ग देखना है निकाल के, अगर वो सम संख्या आती है तो ये पूरी संख्या का वर्ग भी सम होगा, अगर विषम आती है तो पूरी संख्या का वर्ग विषम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न चार। प्रश्न चार में देखिए, ये कहता है कि ये हमारे पास एक प्रारूप दिया गया है, यानी एक, देखिए एक हमारे पास प्रारूप है या एक सीक्वेंस दिया गया है, तो इसको पूरा करना है हमने। तो देखिए एक एक, तो हम लिखेंगे एक दो एक, यानी 11 का वर्ग का मतलब है 121, और 101 का वर्ग 1020, ठीक है।
तो इस तरह से एक सीक्वेंस है, ये देखिए जब दो जीरो आई तो दो और एक के बीच में दो जीरो होगी, दोनों के बीच में। जब ये एक दो तीन चार जीरो आई तो कितनी जीरो होगी एक और दो के बीच में, इधर भी चार होगी इधर भी चार होगी, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं, देखिए ऐसे ही आपने प्रारूप है ये, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी एक दो तीन चार, और यहाँ भी एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब आगे कितनी जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब सिक्स जीरो आएंगी, तो यहाँ पे वन लिखना, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर टू लिखना, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर वन लिखना, ठीक है, सिक्स जीरो है ये। तो ये इस तरह का आपने प्रारूप पूरा करना था, कंप्लीट हमने कर दिया है, इसे आप कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न पांच, प्रश्न पांच भी इस तरह का ही प्रारूप है, एक सीक्वेंस है। तो ये देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो जैसे इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है, तो इसमें देखिए अब आपके पास एक जीरो है, तो यहाँ पे जी एक जीरो दो जीरो तीन, फिर जीरो दो जीरो तीन, यानी एक बार तो बढ़ रहा है, एक एक जीरो बीच में है और फिर घट रहा है, जैसे वन जीरो टू, ठीक है, वन टू वन, फिर वन टू थ्री टू वन, फिर ऐसे ही कितनी बार फोर आया, वन एक दो तीन चार बार आया वन, तो चार बार काउंटिंग जाएगी, फिर तीन वापिस हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में एक एक जीरो लगेगी, तो हम लिखेंगे इसको वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन, ठीक है। तो इसी तरह से यानी वन टू थ्री फोर पहले बढ़ा फिर घट दिया, ऐसे ही अब इसमें कितनी बार बढ़ रहा है, ये पांच तक जा रहा है, इसका मतलब पांच एक होंगे बीच में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक, कितनी बार हो गए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, चार बार जीरो है और पांच बार एक है, तो इसका वर्ग जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न आपके पास छह है, देखिए प्रश्न छह में कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रारूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो हमने खाली स्थान भरने हैं जो लुप्त संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक का वर्ग दो का वर्ग दो का वर्ग, तो ये तीन के वर्ग के बराबर है, ठीक है। फिर है ये तो पूरी काउंटिंग चल रही, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, फिर है दो तीन चार पाँच छ, यानी यहाँ पे छ आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, छ आ जाएगा यहाँ, छ का वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, अब ये देखिए दो फिर छ है, ठीक है, दो का वर्ग है, फिर छ का वर्ग है, बारह का वर्ग है, तो इस तरह से देखिए क्या प्रतिरूप आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए हम कैसे निकालेंगे ये वाली संख्या, 20 कैसे आया, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे आपको एक गुणा दो करते हैं तो दो, दो गुणा तीन छ, तीन गुणा चार बारह, चार गुणा पांच बीस, यानी 20 का वर्ग आ जाएगा। और अगली संख्या ये है 20 से अगली 21, 30 से अगली 31, ऐसे ही छ गुना सात, छ गुना सात 42 होते हैं बच्चों, 42 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 43 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। 42 से अगली संख्या 43 होती है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न सात, प्रश्न सात में देखिए ये कह रहा है कि आपने योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी आप इनको बिना जोड़े इनका योगफल ज्ञात करना है आपने। तो इनका योगफल क्या होता है, देखिए ये सभी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं है सभी। तो जब विषम संख्याएं इस तरह से लगातार आती हैं, जैसे हमारे पास ये कितनी संख्याएं आई, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका वर्ग जो होगा बच्चों, तो वो होगा 5 का वर्ग। क्या होगा? तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, तो इसका आंसर है आपका 5 का वर्ग, यानी 5 × 5 = 25। ठीक है, तो इसका तो आंसर ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। कितनी संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं हैं, तो ये 10 का वर्ग के बराबर होगा। अगर हम इन सबको जोड़े ना, तो यही आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 10 का वर्ग। 10 का वर्ग का मतलब है 10 × 10, तो ये हो जाएगा 100, यानी इन संख्याओं का योग 100 है बच्चों। ऐसे ही आप करोगे थर्ड पार्ट। तो ये कितनी संख्याएं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 संख्याएं हैं ये, तो इसका मतलब ये 12 का वर्ग आ जाएगा, और 12 का वर्ग होता है 12 × 12, और जब हम 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है बच्चों, 144। तो ये 12 का वर्ग 144 है, तो ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो तीनों पार्ट थे ये, तीनों हमने कर दिए हैं, तो ये कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 8। प्रश्न 8 में देखिए कह रहा है कि 49 यानी 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी 49 को भी हमने ऐसे ही लिखना है जैसे अभी हमने किया था। तो 7 विषम संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे 49 बराबर, इस 49 किसका वर्ग होता है बच्चों, 7 का वर्ग होता है। किसका? 7 का वर्ग। तो 7 के वर्ग को कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 होता है, 3 के बाद विषम संख्या 5 होती है ना, विषम संख्याएं लिख लेंगे 7, 5 और 7, फिर 9 कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 11, फिर 13। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनका योग जो होता है बच्चों 49 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपने करना था। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, 121 को, 121 का मतलब है 11 का वर्ग। ठीक है, तो ये भी आप बाहर भी लिख सकते हो वर्ग, लेकिन अंदर भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 11 होएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, + 11, + 13, + 15, + 17, + 19 कितनी हो गई है देखिए, 19 फिर जमा 21, देखो हो गई है कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये आपका आंसर है बच्चों फर्स्ट पार्ट का, और ये आंसर है आपका सेकंड पार्ट का। तो ये आप कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 9। प्रश्न 9 देखिए, ये कहता है कि निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो आपके पास इसका उत्तर देखिए, देखिए फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमारे पास 12 का वर्ग है कितना, 144, कितना है बच्चों, 144, और 13 का वर्ग कितना है, 13 का वर्ग है 169 होता है बच्चों। तो 144 और 169 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो वैसे या तो आप काउंट करो 145, 146, 147 ऐसे, लेकिन सीधा फार्मूला है आपके पास, तो हम लिखेंगे बीच की संख्याएं 144 व 169 के बीच
संख्याएं। तो हमारे पास फार्मूला है, जैसे ये तो है, ये 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, n का वर्ग है, ये क्या है, n का वर्ग। और ये 12 जमा 1 यानी n जमा 1 का वर्ग। तो अगर इस तरह से संख्याएं है ना, 12, 13, 25, 26, जिनके बीच में 1 का अंतर है, तो ये n और n जमा 1 का, n का वर्ग और n जमा 1 का वर्ग, इस तरह की संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी तो वो होंगी बच्चों 2n। कितनी होंगी, 2n, n यहाँ पे कितना है, 12, कितना है 12, और n जमा 1 13 है, तो आपने n की जगह 12 लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 × 12 = 24 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करोगे, तो सेकंड पार्ट में आपके पास दी गई है जैसे 25 और 26, कितनी दी गई है, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग। तो यहां पे n कितना है, 25, और n प्लस 1 26, तो यहां पे n कितना है बच्चों, 25 है, ठीक है। तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, यही फार्मूला लगाना है, संख्याएं बराबर 2n, संख्याएं बराबर 2n, ठीक है। तो 2n की जगह पे आप 25 लिखोगे, तो 2 × 25 कितना हो जाएंगी, 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 50 आंसर है ये आपका सेकंड का, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे 99 का वर्ग और 100 का वर्ग, तो यहाँ पे n बराबर 99 है बच्चों, 99 है। तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी इनके बीच में, संख्याएं कितनी आएंगी, 2n, 2n यानी 2 × 99, तो ये आ जाएगी 198। 99 को 99 से गुणा करते हैं तो 198 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है पूरा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।